मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज के दीक्षांत समारोह के अंदर हमारे बीच में लोकसभा में सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि पद्म श्री प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, जो चेयर प्रोफेसर आईआईटी कानपुर से हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने लंबे समय केमिस्ट्री और अन्य विषयों में एक विस्तृत रिसर्च किया, इनोवेशन किया, प्रोफेसर रमा शंकर जी, जिन्होंने अलग अलग देश के अंदर आईआईटी के अंदर और अभी चेयरमैन ऑफ बोर्ड गवर्नमेंट प्रयागराज, सीनेट के डायरेक्टर, एक लंबा अनुभव जिन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जिसके सार्थक परिणाम आने वाले समय में भारत और विश्व के अंदर एक कीर्तिमान होंगे। कुलसचिव डॉक्टर रमेश पांडे जी, डीन लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, जस्टिस संजय सिंह जी, सभी अधिकारीगण, यहाँ पर आए सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस संस्थान के सभी प्रोफेसर, डीन, फैकल्टी मेंबर्स और इस संस्थान में पढ़ने वाले भारत के उस नौजवान प्रतिभावान नौजवान जो आने वाली 21वीं सदी के अंदर भारत का नाम रोशन करेंगे, अपने कार्यों से, अपने इनोवेशन से, अपने सामर्थ्य से, और 21वीं सदी भारत की सदी हो, इस सपनों को पूरा करने का काम मेरे नौजवान विद्यार्थी करेंगे। ये धरती का एक अपना महत्व है। प्रयागराज की यह धरती जो आध्यात्मिक की धरती है, जो पवित्रता की धरती है, जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, जो 2025 में जामा कुंभ होने वाला है, जहां पर कई ऋषियों ने अपनी तप और तपस्या ज्ञान से भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दुनिया में पहुंचाया है। आपको सौभाग्य है कि आपको इस प्रयागराज की इस धरती पर टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। मैं उन नौजवानों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने अपने विषयों के अंदर, जिनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। हमारे कई नौजवान श्री आर्यक मित्तल, कुमारी पलक मिश्रा, जिन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल लिए, उन तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने आज इस संस्थान के अंदर उपाधि प्राप्त की है। और ये उपाधि जो आपने प्राप्त की है, आपकी एक सिद्धि पूरी हुई है, लेकिन एक सिद्धि आपकी और है,
जब आपके प्रयासों से, आपके शिक्षा से, आपके सामर्थ्य से, आपने जो कुछ भी संस्थान के अंदर अपने गुरुजनों से जो कुछ भी टेक्निकल शिक्षा प्राप्त की है, उसके अनुभव का लाभ देश को मिले, समाज को मिले, और आप जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनको गौरव सम्मान कर सके, क्योंकि आपके जीवन के अंदर माता पिता का लालन पोषण, गुरुजनों की शिक्षा संस्कार, और आने वाला समय आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने निर्णयों, अपने फैसलों से जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। इसीलिए जब डिग्री प्राप्त करकर भारत का नौजवान निकलता है तो जो कुछ भी उसने अपने संस्थान में शिक्षा प्राप्त की है, जो संस्कार प्राप्त किए हैं, अपने गुरुओं के ज्ञान अनुभव का लाभ प्राप्त किया है, और हमेशा शिक्षक का प्रयास रहता है कि जो कुछ भी उन्होंने जिंदगी में सीखा है, जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किए हैं, जो कुछ भी चुनौतियां उनके जीवन में रही है, उन चुनौतियों के समाधान की कुंजी वो विद्यार्थियों को देते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर ये विद्यार्थी हर चुनौतियों का समाधान कर सके। और मुझे आज गर्व है, भारत का 21वीं सदी का ये नौजवान दुनिया की हर चुनौतियों की समाधान करने में सक्षम हो रहा है, और दुनिया के सारे देश इसीलिए भारत की ओर देख रहे हैं। हमने ये सामर्थ्य, ये नया इनोवेशन, नया चिंतन दुनिया को बताने का काम किया। जब कभी आपदा होती है, कोई संकट होता है, कोई चुनौती होती है, तो कोई समय था जब हम पश्चिम देशों की ओर देखा करते थे कि उस आपदा का समाधान देंगे, उस चुनौतियों का समाधान देंगे, लेकिन हमारे नौजवानों ने दुनिया की बड़ी बड़ी आपदा, कोरोना जैसी चुनौतियों का समाधान भारत में किया। जब मैं भारत के बाहर जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हमें भारत की वैक्सीनेशन ने हमारे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम किया। और आज हर वह क्षेत्र जो दुनिया का बदलता परिप्रेक्ष्य, चाहे ऊर्जा की नई टेक्नोलॉजी का प्रश्न हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का नया सेक्टर हो, और मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि अब चिकित्सा के अंदर जो नए इनोवेशन, नए रिसर्च आने वाले हैं, वह दुनिया के अंदर भारत की ताकत और सामर्थ्य को बताएंगे। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश आपकी ओर देख रहा है। ये 21वीं सदी आपकी तरफ देख रही है, और 21वीं सदी हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 21वीं सदी में हम जब 100 साल पूरे करने वाले होंगे, तो आजादी के 75 वर्षों में जो कुछ भी हमने प्राप्त किया, वह समय हमारे लिए चुनौतियों का था, हमें कई चुनौतियों से लड़ने की और चुनौतियों का सामना करने के लिए हर तरीके का सामर्थ्य हमने जुटाया,
और 75 वर्ष की यात्रा में हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से देश में एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, डेमोग्राफी के रूप में बढ़े हैं, और इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान दुनिया के अंदर है। और हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से ही जो कुछ भी परिवर्तन किया, हमारी लोकतंत्र विचारों से किया, पद्धतियों से किया, सामूहिकता के साथ किया, सबने मिलकर किया, ये सामर्थ्य हमारी ताकत है। दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसमें जितनी विविधता है दुनिया में उतनी विविधता कहीं नहीं है। हमारी इतनी बड़ी विविधताएं, इतनी बड़ी विशालता, हमारी संस्कृति और दुनिया के सब धर्म की पूजा अर्चना पूजा पद्धतियों से करने वाले लोग भारत में रहते हैं। इसलिए संविधान बनाते समय हमारे मनीषियों ने कहा था दुनिया के अंदर भारत की अलग एक पहचान होगी, पहचान संविधान के रूप में भी होगी, लोकतंत्र के रूप में भी होगी, और हमारी पहचान उस समय के विचारों ने कहा था हमारे भारत के नौजवानों के कारण, उनके नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए सामर्थ्य, उनकी बौद्धिक क्षमता के कारण आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवानों की ताकत के कारण भारत में टिक सके। और मैं आज ये सपने देख रहा हूं, मैं नौजवानों के आंखों में सपने देख रहा हूं। जब मैं नौजवानों के बीच में जाता हूं, मुझे नई ऊर्जा मिलती है कि किस तरीके से नौजवानों ने अपने अपने सेक्टर के अंदर जो कुछ भी नया हो सकता है अपनी पूरी श्रम शक्ति से, कड़ी मेहनत से वह करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी चुनौतियां बहुत है और उन चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य भारत के नौजवानों में है। हम केवल भौतिक संसाधनों से के आधार पर देश नहीं चला रहे, हम चला रहे हैं आध्यात्मिक के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर, सामूहिकता के आधार पर, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के आधार पर, सारे विश्व को साथ लेकर चलने की हमारे संस्कार और संस्कृति के कारण हमारी दुनिया के अंदर अलग पहचान बनने लगी है। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये भारत के जो कैंपस हैं, चाहे IIT हो, चाहे तिबल IIT हो, चाहे MNIT हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी के रिसर्च सेंटर हो, या सामान्य विश्वविद्यालय हो, उन सब विश्वविद्यालयों के अंदर आने वाली हमारी शिक्षा की जो पद्धति है, उन शिक्षा की नई पद्धति के अंदर हर विश्वविद्यालय हमारे हर चुनौतियों के समाधान के केंद्र बनेंगे। हमारा हर शिक्षा में पढ़ने वाला नौजवान एक कौशल नौजवान होगा, एक स्किल्ड नौजवान होगा, जिसकी बौद्धिक क्षमता भी होगी, जिसकी कार्य कुशलता के अंदर गुणवत्ता भी होगी, जिसमें नए सोच और नया चिंतन भी होगा, जिसमें नया आत्मविश्वास भी होगा। और यही हमारे कैंपस में निकलने वाले विद्यार्थियों के सामर्थ्य को, ताकत को मैं देख रहा हूं। मुझे आशा है कि इस धरती में पढ़ने वाला विद्यार्थी, जिस धरती के अंदर बड़े बड़े लेखक हुए, राजनीतिज्ञ हुए, ऋषि मुनि हुए, आपको ऐसे संस्कार और संस्कृति मिली है। मुझे आशा है आज आप यहां पर उपाधि प्राप्त करके निकले हैं,
लेकिन आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज ने डाली है, और ये जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे उन नौजवानों की जिम्मेदारी है जिस समय आजादी हुई थी, आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय 18, 20, 21 साल का नौजवान देश की आजादी लड़ रहा था, और उस समय उसका संकल्प था कि मैं देश को आजाद कराकर छोड़ूंगा। एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक नया संकल्प के आधार पर लड़ी, ऐसा ही संकल्प आपके मन में होना चाहिए। यह संकल्प होना चाहिए कि 21वीं सदी के अंदर भारत विज्ञान टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करेगा, और यह नेतृत्व करने की जिम्मेदारी इस समाज ने मुझे दी है। इस मनोभाव से आप यहां से निकलेंगे कि मुझे ही कुछ परिवर्तन करना है, मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में जो सोच है, जो चिंतन है, जो संस्कार है, इस भारत के अंदर हर परिवर्तन में मेरा ही योगदान होगा, इस सामर्थ्य के साथ जाएंगे तो हम नए भारत का जो विचार है, जो आत्मनिर्भर भारत का विचार है, जो वसुदेव कुटुंबकम का विचार है, सारा विश्व भारत की ओर देखे, हम सारे विश्व को लेकर चले, इसी मनोभाव से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।